दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मोंटियर एलसी किड टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, किस तरह से दी जाती है, साइड इफेक्ट क्या है, सावधानी क्या है, ये कहाँ पर नहीं लेना है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा दोस्तों, मोंटियर एलसी किड टेबलेट ये एक ब्रांड नेम है सिप्ला कंपनी का। चाइल्ड स्पेशलिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करते हैं छोटे बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा 1 साल से लेके 4 से 5 साल तक का है तो वो इसका यूज करता है। डीटी आती है, तुरंत डिसॉल्व हो जाती है पानी में, घुलनशील टेबलेट है। दोस्तों कई बार इस नाम से अगर नहीं मिले, कुछ एरिया में नहीं मिले, वैसे तो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अगर नहीं मिले तो आप सेम सब्स्टिट्यूट में अल्टरनेटिव ब्रांड भी ले सकते हैं। जैसे कि मोन्टेक एलसी कीड आती है सनफार्मा कंपनी की, वो भी ले सकते हैं आप। लीकोप एम कीड आती है मैनकाइंड कंपनी की, वो भी ले सकते हैं। बात करें भाई कहाँ यूज की जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो सोल्ट। पहला है लीवोसेट्रेजिन और दूसरा है दोस्तों मोन्टुलुकास्ट। लीवोसेट्रेजिन 2.5 मिलीग्राम में डाला गया है और मोन्टुलुकास्ट 4 मिलीग्राम है। दोस्तों दोनों ही सोल्ट एंटी एलर्जिक सोल्ट है। कई बार बच्चों को एलर्जिक प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लू हो जाता है, वायरल हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, कोल्ड की प्रॉब्लम है, बच्चे को खांसी आती है, अस्थमा है, अस्थमेटिक एलर्जी है, छाती के अंदर तह तह की आवाज आती है, नाक बंद है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा छींकी आ रही है बच्चे को, तो उन कंडीशन में ये दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर बच्चे को स्किन एलर्जी है, कहने का मतलब है स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो गई जिसके कारण इचिंग चल रही है या बहुत ज्यादा रैशेस हो गए हैं, रेडनेस आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, तो वहां पर दी जाती है। गले के अंदर दर्द है, गले के अंदर सूजन है, जकड़न है, तो वहां पर दी जाएगी। छाती के अंदर जकड़न है, वहां पर भी दी जाएगी। तो दोस्तों स्किन एलर्जी से लेकर मौसमी एलर्जी तक ये दी जाती है। आंख के अंदर कोई एलर्जी है, आंखों की एलर्जी दी जाती है, आंख से पानी आ रहा उसमें भी दे सकते हैं, तो इन सभी कंडीशन में दी जाती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों ये एक एंटी एलर्जी टेबलेट है। तो जो लियोसेट्रिजन होता है ये एक एंटी हिस्टामिन से सोल्ट है। कहने का मतलब है जब बॉडी के अंदर हिस्टामिन नाम का एक रसायन जब बनने लगता है तो वो इन सभी एलर्जियों का कारण बनता है, तो उस हिस्टामिन को बनने से रोकता है। मोन्टुलुकास्ट दोस्तों ल्यूकोट्रिएनस नाम का एक केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है, जो कि स्किन एलर्जी का कारण बनता है, अस्थमा का कारण बनता है, जो सांस लेने की जो ब्रीथिंग होती है उसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है, टाइट कर देता है, तो उस केमिकल मैसेंजर को बनने से रोकता है, जिससे कि बच्चा ब्रीथिंग इजी ले सके। अगर अस्थमा की दिक्कत है, कफ की दिक्कत है, तो इस तरीके से दोनों फिर काम करती है। बात करें भाई डोज की, तो दोस्तों बच्चे का बॉडी वेट देख के डोज निर्धारित की जाती है, ऐसे डोज नहीं दी जाती है। अगर कोई बच्चा 1 साल से ले 2 साल का है तो हो सकता है रात को एक टेबलेट सोते समय दी जा सकती है, या फिर हो सके अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो तो आधी आधी सुबह शाम भी हो सकती है, या फिर एक सुबह एक शाम भी हो सकती है। अलग अलग दोस्तों बॉडी वेट के हिसाब से डोज चेंज हो सकती है। बात करें साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट वैसे तो बहुत ही कम चांस में ही होते हैं, हर किसी को नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग हो जाना, तुरंत बच्चे का पेट दर्द होना, नींद आने में दिक्कत होना, भूख कम लगना, ये इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन ये हर किसी को नहीं होते, तो घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी बस ये कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट की देख रेख में इसका यूज करना है, सिर्फ यूज नहीं करना है। किसी बच्चे को लेने के बाद अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है, साइड इफेक्ट होता है, काम नहीं करती, तुरंत डॉक्टर को बताइएगा। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट रहेगा, कुछ भी समझो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।